हथियारबंद जवान जो है हमारे सीआईएसएफ के वो यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं। और अंदर स्ट्रांग खबर आ चुकी है कि दूसरे राउंड की मतगणना टोंक में पूरी हो चुकी है और सचिन पायलट अब आगे चल रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी से और अच्छा खासा मार्जिन अब मिलता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। 4,841 वोटों से सचिन पायलट दूसरे राउंड में आगे चल रहे हैं। बीजेपी के अजीत सिंह की अगर बात करते हैं, ये देखिए टोंक से सचिन पायलट आगे चल रहे हैं क्योंकि पहले जो शुरुआती रुझान सामने आ रहा था उसमें सचिन पायलट पिछड़ गए थे, लेकिन अब ये बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। टोंक से सचिन पायलट आगे चल रहे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से और 1,000 वोटों से ज्यादा का ये फासला है। दूसरे राउंड की मतगणना यहां पर पूरी हो चुकी है। राकेश गोयल जी का रुख करेंगे। राकेश जी, अब एक बार फिर से सचिन पायलट आगे हो गए। देखिए सचिन पायलट अपने आप में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नाम है और क्योंकि टोंक उनकी एक तरह से पुश्तैनी सीट भी है, तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ेगा तो कभी गेंद इस पाले में आगे बढ़ेगी, कभी उस पाले में, तो अभी देखना होगा। अभी गैप बहुत ज्यादा है भी नहीं कि ये बाजी पलट नहीं सकती। लेकिन सर ये देखिए 199 सीटों के अगर रुझान मिल रहे हैं तो 105, 108, 104 या 109 इतना ही बीजेपी का फासला आ रहा है और कांग्रेस भी उधर 4 से लेकर 5 सीटें प्लस माइनस ही जा रही है। अभी फिलहाल 79 है। अन्य की बात करें 15 पर अधिक दिखाई यहां पर दे रहे हैं, तो एक तरह से रुझानों के जरिए अगर देखें नतीजे में जब तब्दील होंगे तो यही कुछ ना कुछ रिजल्ट के तौर पर नजर आ सकते हैं या फिर इसमें एक बड़ा फासला आप देख सकते हैं? मुझे लगता नहीं बड़ा फासला कुछ आएगा। यही 25-30 सीटों से आगे चल रही है बीजेपी और ये मुझे लगता है आखिरी वक्त तक यही कमोबेश सिनेरियो रहेगा और शायद 115 तक अगर बीजेपी आती है तो मुझे लगता है 115 के आसपास बीजेपी आ सकती है और ये 14-15 जो निर्दलीय है। 105 के बाद देखिए 104 हो गया, कांग्रेस बढ़कर 80 पर चली गई है। अभी तो बहुत सारे खुलने हैं, अभी तो दूसरा तीसरा राउंड है, कुछ कहीं कहीं जगह अच्छा, तो 20 हम बात करें अगर अन्य की बात करते 15 जिसमें अभी बढ़त बनाए हुए रुझानों में, इनमें दूसरे राजनीतिक दल भी है निर्दलीय भी है। कामा से मुख्तार अहमद आगे चल रहे हैं, बयाना से रितु बानावत 2,198 वोटों से आगे चल रही हैं, जैतारण से योगी लक्ष्मण आगे चल रहे हैं। ये निर्दलियों की स्थिति की बात कर रहे हैं, 5 निर्दलियों की बात करें जिनमें 15 का आंकड़ा भी आ रहा है, बाकी अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं। तो उन 5 सीटों पर जो निर्दलीय बढ़त बनाए हुए हैं उसका जिक्र एक एक करके आपको बताते हुए कि आखिर क्या स्थिति बनी हुई है। शिव से रविंद्र सिंह भाटी है वो आगे चल रहे हैं, जबरदस्त वीआईपी मुकाबला, बिग फाइट शिवेंद्र यहां पर। रविंद्र सिंह भाटी जो कि बीजेपी से बागी होकर बगावत करते हुए दिखाई दिए और ये भी बाकी चर्चा निकलकर सामने आई कि बीजेपी के तरफ से उनसे बात करने की कोशिश भी की गई। जैतारण से योगी लक्ष्मण नाथ आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बीच 15 वो सीटें जिस पर अन्य के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, इन 15 में से 5 पर निर्दलीय के प्रत्याशी और दूसरी तरफ बाकी 10 जो है उसमें अलग अलग राजनीतिक दल है। आरएलपी का फैक्टर बड़ा बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि जहां पर भी हनुमान बेनीवाल निकल रहे हैं भव्य स्वागत उनका जेसीबी से हो रहा है, फूलों की बरसात हो रही है, युवा उनके साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ देर पहले तक जब बात की थी तो एक ही सीट पर वहां पर नजर आ रही थी आरएलपी बढ़त बनाती हुई। इससे बेहतर तो बीएपी जो कि 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। हेमंत हमारे सहयोगी एक बार फिर से आगाज करने के बाद अब फिर बीच में जुड़ चुके हैं। बिल्कुल 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 रविंद्र, बड़े दिलचस्प रुझान जो है अब वो इस वक्त हमें मिल पा रहे हैं और नसीम अख्तर हम बता दें पुष्कर से आगे चल रही है कांग्रेस के प्रत्याशी और साथ ही साथ जो कांटे की टक्कर की बात हो रही थी वो इस वक्त रुझानों में रविंद्र जिस तरीके से रुझान अब आगे बढ़ते जा रहे हैं और रुझान अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे वो नतीजों में तब्दील होते हैं। लेकिन उससे पहले हनुमान बेनीवाल सांसद नागौर से और आरएलपी के सुप्रीमो होने लेकर के बड़ी खबर, 5 सीटों पर निर्दलीयों ने बढ़त बनाई हुई है, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। जी हाँ, फिलहाल शिव से रविंद्र सिंह भाटी का जिक्र हमने किया लेकिन चूंकि अभी आपने हनुमान बेनीवाल की बात की तो हनुमान बेनीवाल की खींवसर की सीट से अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिली है, अभी उसके लेकर कुछ रुझान सामने नहीं आया। लेकिन कांग्रेस के 3 बड़े कद्दावर नेता पीछे चल रहे हैं, कौन कौन नेता है वो एक एक करके नाम बताएंगे। भंवर सिंह भाटी जी, भंवर सिंह भाटी पीछे चल रहे हैं और बीडी कल्ला पीछे चल रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं गोविंद राम मेघवाल काजूवाला सीट से पीछे चल रहे हैं। 3 बड़े कद्दावर चेहरे कांग्रेस पार्टी के, हाँ बिल्कुल 3 मंत्री। तो बीकानेर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस के 3 बड़े कद्दावर नेता पीछे, पिछली बार जीत कर आए
लेकिन इस बार की अगर बात करें और बीकानेर के तीनों ही एक तरह से कहें कि विधायक बने, मंत्री बने, बी डी कल्ला, भंवर सिंह भाटी और गोविंद राम मेघवाल, एक बड़ा सेटबैक बीकानेर जिले से कांग्रेस को इन रुझानों के जरिए हेमंत मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक हो सकते हैं। सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी अपडेट, क्योंकि बीकानेर जहां पर ये माना जा रहा था कि खाजुवाला में कम से कम गोविंद राम मेघवाल का दबदबा माना जाता रहा था, आंदोलनों से निकले हुए नेता हैं, बी डी कल्ला जो शिक्षा मंत्री के तौर पर लगातार, भंवर सिंह भाटी ऊर्जा मंत्री के तौर पर भी जो है वो उन्होंने अच्छा काम किया, इस तरह की बात थी, लेकिन उसका असर यहां पर नहीं। अर्जुन राम मेघवाल चूंकि बीकानेर से सांसद, उनका भी असर देखने को मिल सकता है। बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से एक बड़े चेहरे के तौर पर उनको सामने रखा गया था, लेकिन सीधा रिजल्ट हक्का रुख करेंगे। श्रुति हमारी सहयोगी कुछ बड़ी खबरों के साथ मौजूद है सीटों का और वीआईपी उम्मीदवारों का हाल बताने के लिए। जी श्रुति बताइए। जी आपको बता दें कि जयपुर के जोटवाड़ा विधानसभा में अगर बात करें तो छठे राउंड की मतगणना फिलहाल चल रही है, जिसमें छठे राउंड में सबसे बड़ी बात है कि राजवर्धन सिंह राठौड़ पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस से अभिषेक चौधरी वो उनको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, 9,330 मतों से आगे दिखाई पड़ रहे हैं। रविंद्र जी बिल्कुल जो श्रुति बता रही हैं, हाँ। कि जिस तरीके से, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपडेट भी बता रहे हैं कि बी डी कल्ला, भंवर सिंह भाटी पीछे चल रहे हैं और बाकी की तमाम सीटों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं रविंद्र, लेकिन जिस तरीके के रुझान मिल रहे हैं वो कांग्रेस के लिए इस वक्त सही नहीं कहे जा सकते। गोयल साहब एक टिप्पणी इन रुझानों को लेकर के, जो मौजूदा तीन बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी, क्या कहेंगे आप? देखिए शॉकिंग तो है, शायद इतने बड़े नेताओं को इस तरीके का रुझान देखने की आदत भी नहीं होगी, पर जनता का जो निर्णय है वही सर्वत्र होता है, वही सर माथे पे होता है। बाकी अभी देखते हैं जब फाइनल ये नतीजे आएंगे तो कितने लोग इसमें। लेकिन देखिए दो पक्ष इसके हैं सर जी। एक ये कि अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी को कोई बंपर बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ नहीं होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भी एक अच्छी खासी संख्या में विधायकों के जरिए अगली विधानसभा में दिखाई देती हुई नजर आ रही है। नहीं अच्छा है ये, देखो विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए अच्छा रहता है, तो कोई ऐसी मतलब परेशानी वाली बात भी नहीं है। दूसरा अशोक गहलोत जी की तारीफ भी मैं इस बारे में करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब इलेक्शन को लड़ाया और यहां तक पहुंचा दिया, अदरवाइज शायद राजस्थान में जब भी उलट फेर होता तो गहलोत ने इलेक्शन लड़ा। आपने कहा अशोक गहलोत जी अगर लड़ती, अगर कांग्रेस लड़ती और बेहतर हो सकता था। नहीं नहीं अशोक गहलोत जी के जो भी फैसले हैं, मुझे लगता है अशोक गहलोत जी तो साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं अंदरूनी गुटबाजी जो है कांग्रेस पार्टी की उसने धरातल पर ये असर जरूर डाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि योजनाओं को लेकर बीकानेर के हमने जो पिछड़ रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार उनकी तो बात की, लेकिन सिद्धि कुमारी जो कि बीकानेर की पूर्व सीट से विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, तीन बार की विधायक हैं, एक बार फिर से देखिए वो आगे चल रही हैं। सिद्धि कुमारी बढ़त बनाए हुए हैं बीकानेर पूर्व सीट से और बीकानेर जिले में बीजेपी एक अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए इन रुझानों में दिखाई दे रही है। हेमंत बिल्कुल, सिद्धि कुमारी पूर्व राज परिवार की सदस्य भी हैं और लगातार यहां से जीतती रही, एक बार फिर से बीकानेर पूर्व से उनकी जो जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये